हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनूप गर्ग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 100 डेज 100 क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, गेट के लिए। तो कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना, और फिर मैंने आपको आज के लिए एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किए हुए हैं। देखते हैं किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है और किसने आंसर को ट्राई करने की कोशिश की। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, है ना। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इसके लिए एक्स ऑफ जी ओमेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये काफी आपको सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा स्टूडेंट कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना e टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं गॉशियन फंक्शन। अब बोलोगे सर ये गॉशियन फंक्शन क्या होता है, है ना, क्वेश्चन चल रहा है, ज्यादा थ्योरी तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन गॉशियन फंक्शन आप बोलोगे। आप देखो स्टूडेंट, यहां पे टी का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव टी एक्सिस और निगेटिव टी एक्सिस दोनों जगह एक जैसा ही फंक्शन है। पॉजिटिव टी एक्सिस और निगेटिव टी एक्सिस दोनों जगह एक जैसा ही फंक्शन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गॉशियन फंक्शन। तो गॉशियन फंक्शन का नेचर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पहली बात क्लियर है, ये तो हो गई पहली बात। अब हमें पूछा गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमें पूछा गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखो स्टूडेंट, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा बराबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो, अब आप देख रहे हो कि यदि मैं इसमें फंक्शन को रख दूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, तो अब ये अनंत काल तक चलने वाला इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, है ना, बस इसलिए ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड हो गया और ये क्वेश्चन एक रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है। मैं यहां पे स्टार बना देता हूं, एक रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। जो कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे, कम्युनिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट एक जो फंक्शन है ये, ठीक है। अब यहां पर आप आके फंस गए, इसका मतलब स्टूडेंट इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब ये फंक्शन इनटू फंक्शन और वो दोनों की दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी रुकेगा ही नहीं, कभी फिनिश ही नहीं होगा। तो अब मैं इससे अपने हाथ खींच ले रहा हूं पीछे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ शॉर्टकट्स चल रहे हैं। शॉर्टकट्स क्या चल रहे हैं स्टूडेंट, ये कि एक्स टी बराबर क्या है, ई टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर है। यहां पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, कैसे करेंगे उनको देखना। मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, डी ओवर डी टी एक्स टी, इसका डिफरेंशिएट किया क्या गया, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, लेकिन माइनस पाई टी स्क्वायर का करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस टू पाई टी। इस वाली बात से एग्री हो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब यहां पर आप इस वाली बात से एग्री हो तो स्टूडेंट एक चीज बताओ कि डी ओवर डी टी एक्स टी तो ये लिखा हुआ है, माइनस टू पाई टी ये लिखा हुआ है, ये जो ई टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर दिख रहा है क्या यही तुम्हारा एक्स टी नहीं है, क्या यही तुम्हारा एक्स टी नहीं है? बिल्कुल है सर। तो लो बच्चों, मैंने इसको यहां पर एक्स टी लिख दिया। अब आप बोलोगे सर चल क्या रहा है, ये चल रही है अप्रोच। देखो, इतना लिखने के बाद मैंने बोला फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो इसका, आप मैंने बोला इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो। अब आपको याद रखना है डी ओवर डी टी एक्स टी, डी ओवर डी टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा, बोलो हाँ या ना, होता है, ठीक है, माइनस टू पाई टी एक्स टी। टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है,
डी ओवर डी ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। क्लियर लिखा है मैंने, डी ओवर डी ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये होगी कहानी, इसकी खत्म है ना। साथ में एक जे और आता है यहां पर, साथ में टी एक्स टी का करोगे आप तो एक जे और आएगा, है ना। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के बाद मैंने कुछ सोचा, मैंने ये सोचा कि जे और जे तो कैंसिल आउट हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, मैंने ये सोचा कि ये जो ओमेगा है इसके साथ ले आओ डी ओमेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद माइनस टू पाई, है ना, वन अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा लिख दिया, और ये लिख दिया इधर डी ओवर डी ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा डी ओवर एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कर दिया मैंने। अब इसको करने के बाद यदि मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो ओमेगा के रिस्पेक्ट में, मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन किया ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या, आप बस केवल इंटीग्रेट कर दो, है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन किया स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, है ना, और ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया माइनस का टू पाई नेचुरल लॉग एक्स ऑफ जे ओमेगा। सही लिखा है मैंने, बिल्कुल मैंने सही लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब इसको करने के बाद थोड़ा सा मुझे जगह की रिक्वायरमेंट होगी। जगह की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, कि आपको सी निकालना है, आपको निकालना है सी, है ना। सी कैसे निकलेगा, इस चीज को समझना कि ये है गॉसियन फंक्शन, ये है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। यदि मैं ओमेगा बराबर जीरो रख दूं तो जीरो प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू पाई नेचुरल लॉग एक्स ऑफ जीरो आएगा। मुझे यहां से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब लेकिन मुझे एक्स ऑफ जीरो जो जीरो नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन पे आ जाऊंगा, इस वाली इक्वेशन मैंने क्या किया, हर जगह जीरो पुट कर दिया, है ना, जे ओमेगा की जगह। तो कैपिटल जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी डी टी बन जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। अब ये बन जाएगा, तो ये गॉसियन फंक्शन का है एरिया, ये क्या है स्टूडेंट, गॉसियन फंक्शन का एरिया। और किसी भी गॉसियन फंक्शन का एरिया होता है ऑलवेज यूनिटी, इसका मतलब यहां पर सी बराबर क्या आ गया, माइनस टू पाई नेचुरल लॉग वन। आपको पता है स्टूडेंट नेचुरल लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो इसका मतलब सी बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। C बराबर जीरो आ गया। आप ये देख रहे हैं सी बराबर जीरो आ गया। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, सी बराबर जीरो आने से ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इक्वेशन नंबर सी मान लो, तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। सही लिखा है। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ का होल स्क्वायर, ये नीचे आ गया तो माइनस फोर पाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, अब आप देखो लास्ट में कि ये जो फोर है ये तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, माइनस पाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। क्या मैं इसका एंटी लॉग ले सकता हूं,
जैसे ही मैंने इसका एंटीलॉग लिया तो ये हो गया x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट e टू दी पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर, माइनस पाई एफ स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपको तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से मतलब था ना, आपको तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से मतलब था, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर स्टूडेंट आपने देखा कि ये क्वेश्चन टोटली डेडिकेटेड था एक मैथमेटिक्स के तौर पर, लेकिन ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब स्टैंडर्ड क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी गॉसियन फंक्शन का e टू दी पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, e टू दी पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर आया है। तो ऑप्शन के नाम पर तो क्या हो गया, ए फॉर आगरा। ऑप्शन के नाम पर करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, ए फॉर आगरा। लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि किसी भी गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब ओमेगा एक्सिस पर ये भी कैसा होगा, गॉसियन नेचर का होगा। ये भी कैसा होगा स्टूडेंट, गॉसियन नेचर का होगा, ठीक है। तो ये कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सिग्नल सिस्टम में मान लो या फिर कम्युनिकेशन मान लो, पूछा गया है कि किसी गॉसियन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो कैसा होगा, एक गॉसियन फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और आपको यहां से ये भी पता चला कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टैंडर्ड, कि इनमें आप यदि कन्वेंशनल मेथड से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते x ऑफ जे ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ t e टू द पावर माइनस जे ओमेगा t dt, तो आप कभी भी एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका केवल और केवल यही है ना। कन्वेंशनल तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप करके देखना फंस जाओगे और कभी निकल ही नहीं पाओगे आप, है ना। और कोई तरीका आप सोचना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे यहां से रिजल्ट पता चल गया कि किसी गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगा, एक गॉसियन फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में काफी आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब मैं आपको कल के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, उसको ट्राई कीजिएगा, क्या है कल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, वो कुछ लिखा हुआ है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉस टी, है ना, एक फंक्शन है, और वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा है, जो कि आपको दिया गया है टू व्हेन फ्रीक्वेंसी माइनस टू से टू के बीच में लाई कर रही है और जीरो अदरवाइज, है ना। तो वो आपसे एक्स ऑफ टी पूछना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दो सिग्नल हैं, एक एक्स टी है एक वाई टी है। वाई टी एक्स टी से कैसे रिलेट कर रहा है ये आपको बता दिया। एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा, जिसकी हमें यहां जरूरत नहीं है, लेकिन वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा, जो कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने लास्ट में आपसे एक्स ऑफ टी को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइएगा मुझे। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.